أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم वह ख़ुद तुम कल लदी खा दू मेहतर हजरा ख़वा फितने और उसके अकसाम उसके इलाज और इसबाब के ताल्लुक़ से बात चल रही है इस ज़िमन में हमने एक एक करके अब तक ये मालूम किए कि फ़ितने क्या क्या हैं उनके अकसाम क्या क्या हैं और इनसे हम कैसे बचाव इख्तियार कर सकते हैं आज हम लोग ख़ुलासे के तौर पर ये मालूम करेंगे कि तमाम तरह के फितने के इसबाब क्या हैं हजरात बुनियादी तौर पर फितनों को दो कस्मों में तकसीम किया जाता है फितनों को बुनियादी तौर पर दो कस्मों में तकसीम किया जाता है ख़ुलासे के तौर पर यानी जितने तरह के फितने और फसाद हैं उनका ताल्लुक़ इन दो से ही रहता है और यही दोनों बुनियादी इसबाब हैं एक है फितनातुलशहवात और दूसरा है फितनातुलशबहत शहवात का फितना और शबहत का फ़ितना तमाम फितनों की यही दो बुनियादें हैं यही दो जड़ें हैं यही दो बुनियादी इसबाब हैं कि जो भी फितने हैं या तो शुभात की वजह से जन्म लेते हैं या शहवात की वजह से जन्म लेते हैं शहवात के फितनों को अल्लाह ताला ताम अंदाज में बयान फ़रमाया सुरालमरान में जुगन से हब्ब शहवावात अमिनन्नसा मुजन कर दी गई है इंसानों के लिए शहवात बास चीज़ों की शहवात और वो क्या क्या हैंमानन्नसा औरतें वबन औलाद वक़ना तिरमक रतमिनबीफ माल ढेर सारा माल मकान जायदाद बंगले गाड़ियाँ इन सब चीज़ों की महब्बतें और शहवतें दाखिल कर दी गई हैं वाली कमतात दुनिया ये दुनियावी ज़िंदगी का सामान है अल्लाह अल्लासनआब लेकिन अल्लाह के पास ही सबसे बेहतरीन सवाब है लौट के जाना है शहवात के फितनों के ताल्लुक से अल्लाह ने मरियम में भी फरमाया वलफ़ ममवाद ही खलफ अदा उसलाद व तबा उसशावाद फ़ोफ़ यल़ोनग़ै बाद में कुछ लोग ऐसे आए जो लोग नमाजों को ज़ाय बर्बाद कर दिए और नफसानी ख्वाहिशा के पीछे पड़ गए शहवात के पीछे पड़ गए नतीजे में वो लोग गुमराह हो गए तो शहवात का ये फितना अल्लाह ने क़ुरान में कई जगहों पर जाम अंदाज ने बयान फरमाया है शुभात को अल्लाह ने कई जगहों पर जन के तल्ल से बयान कर किया है इल्ला तहवल अनफुस कहा कि ये लोग गुमान और अपने नफसानी ख्वाहिशात की इतबा करते हैं उसके पीछे पड़े रहते हैं ये शकुक शुभात का फितना है तो तमाम तरह के फितने इन्हीं दो चीज़ों से निकलते हैं जैसे कि सबसे पहली बात अगर हम शहवात के फितने को ले लेते हैं शहवत यानी नफ्स की ख्वाहिशात ये जो नफ्स है इसकी ख्वाहिशा बहुत है अरमान बहुत है हजार ख्वाहिशें इसी है कि हर ख्वाहिश पे दम निकले बहुत ख्वाहिशें हैं ये कि ख्वाहिश पे दम निकले बहुत निकले मेरे अरमा फिर भी कम निकले ये जो नफ्स है ना इसकी ख्वाहिशात बहुत है नफसानी ख्वाहिश मैं आपके सामने मुख्तसर तौर पर रखता हूं हर एक को तफसी के साथ मैंने इससे पहले बयान कर दिया अब खुलासे के तौर पर रखता हूँ जैसे कि नफसानी ख्वाहिशात में सबसे पहले औरतों की ख्वाहिशा औरतों के लिए मर्दों की ख्वाहिशा जिसको शहतुलफरूज भी कहा जाता है कि शर्मगाहों की शहावत शहवतुलबतून पेट की ख्वाहिश पेट खाना और खाने के लिए हलाम हराम की तमीज़ ना करना पेट भरने के लिए जैसे शराब और मनशियात का इंतजाम इस्तेमाल करना शराब हराम चीज़ों को खाना और इसी तरह से नफसानी ख्वाहिशात में मुनशियात नशावर चीज़ें आदतें बीड़ी सिगरेट पान परा गुटखा और जैसे आजकल के देखा जाए तो ड्रग्स है अफियोन है हेरोइन है इन सब चीज़ों का इस्तेमाल ये इस सब ख्वाहिशात हैं शहवात का फितना है फिर इसी तरह से शहवतल मवाल माल की शहवत माल की ख्वाहिश माल ज्यादा से ज्यादा चाहिए दौलत ज्यादा से ज्यादा चाहिए और माल दौलत हासिल करने के लिए हलाल और हराम की तमीज़ नहीं धोखा झूठ गबन रिश्वत, सूदखोरी, नाजायज तरीके से कमाना चोरी डकेती धोखा देना अमलियात के जरिए से कमाना और क्या क्या जितनी शक्लें हैं ये सब के सब अमवाल हैं शहवत और शोहरत और रियासत आदमी के दिल में ख्वाहिश होती है कि मेरा चर्चा हो मेरी शहरत हो मुझे सरदारी मिले मुझे रियासत मिले मुझे सदारत मिले मुझे बड़ी कुर्सी मिले बड़ा वहदा मिले बड़ा मकाम मिले ये भी नफसानी ख्वाहिशात का फितना है नफसानी ख्वाहिशात का ये फितना है और एक इंसान अपनी एक कुर्सी बचाने के लिए हज़ारों लाखों करोड़ों की जानों से खिलवाड़ करता है आप किसके बेशुमार मिसालें मिलेंगी एक आदमी एक कुर्सी बचाने के लिए सीरिया में क्या हो रहा है एक आदमी अपनी कुर्सी बचाने के लिए बच्चे बूढ़े औरतें पता नहीं कितने लोगों की जानों को जय कर रहा है ये जो कुर्सी कुर्सी का नशा है शराब के नशे से भी खतरनाक होता है कुर्सी का नशा शराब के नशे से भी खतरनाक होता है क्योंकि शराब का नशा तो कभी उतर जाता है कुर्सी का नशा कभी उतरता नहीं है और शराब के जो नशा है इसमें अकल ठिकाने पे नहीं रहती है ये तो अकल ठिकाने पे रख के इस नशे में आदमी मुबतला होता है तो ये भी एक नफसानी ख्वाहिशात का फितना है इसी तरह से इंसान को कामकाज की ख्वाहिश और ड्यूटी ड्यूटी की ख्वाहिशात और उस ड्यूटी अगर ना मिले परेशान होता है मिलने के बाद फिर उसमें काम ज्यादा आए तो भी परेशान होता है और इसके लिए इंसान कभी हलाल और हराम की तमीज़ नहीं करता है चूंकि कमाई है पैसा है खर्चा चाहिए परेशानी है तो कभी गलत काम गलत ड्यूटी भी करने तैयार हो जाता है इसी तरह से नफसानी ख्वाहिशात के फितनों में से जुल्म ज़्यादा ये नफसानी ख्वाहिशात फितना है किसी कौम पर कोई कौम जुल करती है कोई ताकतवर कमजोरों पर जुल्म करता है हुकूमतों के कारिंदे हुकूमतों में बैठे हुए लोग हाकिम वक्त अपने महाकूम पर जुल्म करते हैं नफसानी ख्वाहिशात का फितना ये भी है रिश्ते नाते को काटना नफ्स उभारता है इसके साथ क्यों मैं बात करूं उसने मुझे ऐसा किया वैसा किया रिश्ते नाते को काट लेना यह नफसानी ख्वाहिशात का फितना है नफसनी ख्वाहिशात का एक फितना यह भी है कि आदत व अतवार से मजबूर किसी को किसी चीज़ की आदत है उस आदत को छोड़ नहीं पाता है ये एक फितना है उसमें मुबतला होता है हसद बुख्स कीना कपट बहरहाल इस नफ्स के ख्वाहिशात के फितने बेशुमार हैं अब देखते जाए जितने भी नफ्स का शर हैं इसी वसल्लम हर खुतबे में मिन शुरूर अनफेना हमारे नफ्स के फितनों से अल्लाह के रसूल पना मांगते थे अल्लाह तभी दुआ करते थे या या असली शानी वला मुझे मेरे नफ्स के हवाले एक पलक झपकने के बराबर भी ना करना नफ्स के हवाले ना करना नफ्स के हवाले करेंगे तो हम गुमराह हो जाएंगे इस नफ्स के फितने बहुत हैं और जो इंसान इस नफ्स को कंट्रोल कर लिया वो कामयाब हो गया जिसने इसको कामयाब किया पाक साफ किया दिल को समझाया वो कामयाब हो गया वह कद खा और जिसने इस दिल की सुन लिया हर बात में हर मामले में नफ्सा ख्वाहिशात के पीछे पड़ गया वो गुमराह हो गया खलफ अम्बादी खलफ अदाला तबाह जो शाहवाद के पीछे पड़ गया तो वह अनकरीब गुमराह हो जाएगा नफसानी ख़ाइशात शराब के नशे की तरह है शराब जैसे इंसान के अकल पर डाल देती है नफसानी ख़ाइशात भी इंसान के अकल में पर्दा डाल देती है उसको अच्छे बुरे की तमीज नहीं होती है ख्वाहिश मेरा दिल ये कहता है इससे इंतकाम लेना मैं कैसे भी लेकर रहता हूँ इसको इसके ताल्लुक से हसद बुक्स करना कैसे भी करके रहता हूँ इससे रिश्ता काटना कैसे भी करके रहता हूँ इस पर जुल्म करना कैसे भी करके रहता हूँ इसको हासिल करना शराब पीना मैं पी कर रहता हूँ और अपनी शर्मगा की फितने में मुबतला होकर उसको मिटाना तो मैं इस कैसे मिटा कर रहता हूँ गर्ज़ ये भी इंसान के अकल में पर्दा डाल देता है नफसानी ख्वाहिशात इंसान ख्वाहिशात की वजह से इंसान बेगिरत हो जाता है बेहया हो जाता है बेअकल भी हो जाता है जाहिल भी बन जाता है कितने ऐसे लोग देखेंगे जो ख्वाहिशात फितनों में मुब्तला हो गया लाख समझाओ लाख बुझाओ मानने के लिए तैयार नहीं सारी दुनिया उनको देखे थूके फिर भी वो मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं बेहया और बेगिरत हो जाते हैं जाहिल बन जाता है ऐसे इंसान इसीलिए नबी ने क्या फरमाया औरतें, तुम नाकिसतुल अकल हो अकल के अतबार से कमजोर हो लेकिन अच्छे अच्छे अकलमंद मर्दों की अकलों को खा जाती हो नबी की हदीस है ये और हकीकत है ये हकीकत है ये अच्छे अच्छे अकलमंद औरत के फितने में मुब्तला हो गया जाहिल बन जाता है अच्छे वादे वाला लिखा पड़ा बड़ा पोस्ट रखता है लेकिन औरत में आकर पिसल जाता है और उसकी अकल मारी जाती है वो जाहिल बन जाता है मोहतरम दोस्तों बुजुर्गो भाइयों ये शहवाद का फितना है मैंने मुख्तसर आपके सामने रखे हैं और जाम अंदाज में बयान किया क्योंकि ये बहुत वसी है मैंने एक एक लफ्ज लेकर आपके सामने बयान किया इससे पहले भी कुछ बातें इस सिलसिले में आई हुई है दूसरी बात शुभात का फितना और ये बड़ा खतरनाक फितना होता है शहवाद से बढ़ के शुभाद का फितना क्योंकि आदमी के दिलो दिमाग में शुभा दाखिल हो जाए शक की बीमारी बहुत बड़ी बीमारी है शक करने लग जाए कदम कदम पे हर एक को शक की निगाह से देखेगा यहां तक कि अपनी बीवी पे शक करेगा बच्चों पे शक करेगा मां बाप पे शक करेगा दोस्ताबाप पे शक करेगा उसकी जिंदगी अजीरन अपने आप पे शक करने लगता है शक की बीमारी बहुत खतरनाक बीमारी मेरे भाइयों और इसको अल्लाह ताला ने बयान फरमाया में आयत नंबर ये लोग तो अपने नफसानी ख्वाहिशात और शुभहात के पीछे पड़े हुए हैं जन और वहामो गुमान के पीछे पड़े हुए हैं और ये जन और गुमान याद रखिए यही गोया के शुभात है शुबात की वजह से इंसान गुमराह हो जाता है अल्लाह ताला ने सरासात की आयत नंबर 26 में बयान किया या दाऊद इन्ना जालना इन्ना जालना का खलीफा अ दाऊद हमने आपको खलीफा बनाया फिल अर्द जमीन पे फह कुम बैनना से बिलहक तो लोगों के दरमियान हक के साथ फैसला करना वला तत्तब अलहवा और नफसानी ख्वाहिशात के पीछे ना पड़ना अगर तुम अपने नफ्स की सुनोगे शुभात के पीछे पड़ जाओगे नफसानी ख्वाहिशात के पीछे पड़ जाओगे सबीलिल्ला तो अल्लाह के रास्ते से तुमको गुमराह कर देगा तो याद रखिए मेरे भाईयों जो शुभात है ना इंसान के दिलो दिमाग में शुभा पैदा होता है शैतान आता है इसको किसने पैदा किया फुला उसने किसको उसने किसको सारी दुनिया को किसने अल्लाह अल्लाह अल्ला को किसने पैदा किया ये शक में डालता ये शैतान का काम है शक और शुबे में मुबतला करता वस वसा डालता मिन और इसीलिए आदम हवा को गुमराह करने के लिए शैतान ने यही हरबा इस्तेमाल किया शैतान सूरह में अल्लाह ने बयान किया दोनों को वसवसा दिया शक और शुभ में मुबतला किया ये फल खाओगे तो ये होगा क्यों मना किया मालूम है अल्लाह ने इसलिए उस लिए शक और शुभ नफसानी ख्वाहिशात दिल में डाल दिया हजरात इसकी वजह से इंसान गुमराही में मुबला हो जाता है आइए अब ख़ुलासे के तौर पर हम मालूम करते हैं जिसको कि इब्न रहमतुल्लाह ने अपनी बेहतरीन किताब मकायदुलशैतान में बयान फरमाया है और इबन ने ही इसकी बड़ी तफसील के साथ जाम अंदाज से बयान किया सारे फितनों को दो अल्फाज में शहवात और शबहात और उनके इसबाब क्या वो बयान किया इलाज क्या बयान किया उसका नतीजा क्या होता वो भी बयान फरमाया है कहा फितने दो तरह के हैं शहबात और शुभात और कहा दे कि देखिए ये, ये सारे के सारो कल्ला तला ने इसी आयत में दाखिल किया जिसको कि मैंने खुद भाई में सुना की बात बड़ी है सरा तोबा सरा नंबर नौ आयत नंबर उनहत्तर सिक्सटी नाइन कल्लादीना मिन कबिलिम कान शाम कुम्वा उन लोगों की तरह ये भी बन गए जो उनसे पहले थे वो लोग जो तुम्हारे से पहले थे और ये लोग ताकत और कुत में बहुत ज़्यादा थे अक्सर अम वा मालद में भी ज्यादा थे बढ़ के थे फस्तम तीन उन लोगों ने अपने हिस्से से फायदा उठा लिया यानी अपने हिस्से से मुराद दुनियावी हिस्सा निशावा नफसानी ख्वाहिशा दुनियावी एतबार से चाहे शर्मगा का फितना हो पेट का हो शहरत का हो औलाद का हो अमाल का हो यह सारे के सारे नफसानी ख्वाहिशात का फितना है वो लोग फायदा उठा लिए तो खलाम से मुराद नफसानी ख्वाहिशात का फितना यानी शहवाद का फितना है वह खुद तुम कल्लि खादू और तुम भी ऐसे बेतुकी बातों में पड़े रहे जैसे वो लोग थे इससे मुराद शुभात का फितना शुभात का फितना शहवात का फितना कैसे जन्म लेता है शहवात का फितना जन्म लेता है तकदीम तकदीम अकल अकल पर नफसानी ख्वाहिशात को तरजीह देना अकल जो कहती है उसके बजाय अकल पे पर्दा डाल के नफ्स जो कहता है उसकी बात मान लेना इससे ये फितना फसाद शुरू होता है शावत शावत का फितना शुरू होता है अपने दिल की बात मानने से हर मामले में नफ्स की पैरवी पर, करना नफ्स की बात मान लेना अकल को और दिल को छोड़ देकर आदमी नफ्सानी ख्वाहिशात के पीछे पड़ जाए शरीयत कहती है बात करो उसको नहीं मानता है उसको छोड़ के वो अपनी बात अपनी दिल की बात मानता है यानी नफसानी ख्वाहिशात के पीछे पड़ा रहता है इससे ये फितना जन्म लेता है और इसका नुकसान क्या होता है शहवाद के फितने का नुकसान क्या होता है शहवाद की वजह से फसादुल कुलूब, इंसान का दिल बिगड़ जाता है और जब ये दिल बिगड़ जाए सारे आमाल उसके बिगड़ जाते हैं फिस्कुल आमाल हर तरह के बुरे काम करने लग जाता है बहुत ही जाम अंदाज में इब्ने कैम ने बयान फरमाया कि नफसानी ख्वाहिशात के पीछे पड़ने की वजह से नफ्स की हर बात मानने की वजह से इंसान अकल को छोड़ देता है दीन को छोड़ देता है और उसका दिल बिगड़ जाता है दिल बिगड़ने की वजह से बुरे अमाल में मुबतला हो जाता है ये इसका नतीजा और रिजल्ट है जिसके नतीजे में क्या होता है हर तरह के बुरे अमाल करने लग जाता है इसका इलाज क्या है इसका इलाज ने बयान फरमाया कि देखो बर्दाश्त करना सबर करना कद दिल को पाक करना उसको कुचलना उसकी ख्वाहिशा को मारना इस्लाम देखो ये कहता है कि जो नाजायज ख्वाहिशात है ना उनको कुचलो उनको मारो जायज ख्वाहिशा है उनको पूरा करो दिल की नफ्स की हर बात मानोगे यानी मनमानी जिंदगी गुजारोगे तो गुमराह हो जाओगे इसका इलाज यह है रब शाही जिंदगी गुजारो रब जो कहता है वो कहो वो करो और रब जिनसे मना करता है उनसे परहेज करो गुरेज करो और दूसरी बात दूसरा जो फितना है शुबा का फितना कैसे जन्म लेता है इसकी बुनियाद क्या है तकदीम और राय शरा, शरीयत पर राय को मुकदम रखना शरीयत पर राय को मुकदम रखना ये गोया के इस शुबा के फितने का बुनियादी सबब है बुनियादी सबब यही है अब शरीयत कुरान-आदिस में ये शरीय लेकिन इंसान शिरक बिदात खुराफात को राय करना शुरू कर देता है शुबे की वजह से बिदात कैसे जन्म लेती है शुबा हाँ ये भी नेकी का काम है बिदात करता है यह भी इबादत का काम है शिरक करता है शुबे भी मुबतला होकर और इसका इलाज क्या है इसका नुकसान क्या होता है फसादुद्दीन इसका दीन बिगड़ जाता है इफसादुद्दीन ये फसादलादियान जब इंसान शुबे में मुबतला होता है दीन बिगड़ जाता है कैसे शुभे में मुबतला होकर कुफुर करता है शिर करता है विदा तो अंजाम देता है बुरा अकीदा अपनाता है अक़ीदे में मुबतला हो जाता है बदअमाली में मुबतला हो जाता है फिर कुरान की करने लग जाते शको को शुबात में हदीस का इनकार फितना फितना हदीस से जन्म लेता है फितना खारिजियत फितनाफिस फितना, फितना शिया ये सब जो जन्म लिए और जितने अकायद में फितने जन्म लिए हैं इसी शक और शुबे की वजह से गलत ताबीलात सूस के गलत तावील या जयी फदीसों का इस्तेमाल या सही नुसूस का गलत इस्तेमाल शक व शुभे में मुबला होने की वजह से और इब्न कयम ने कहा कि यह खतरनाक फितना है क्योंकि नेकी के रास्ते से गुनाह करता है शुभे में मुबतला हो जाता है और वो समझता कि मैं बड़ा अच्छा काम कर रहा हूं एक आदमी है अपने आप को कहते हैं कि मैं देखो मैं ना वहाँ बाबी बल्कि मैं, मैं किताबी अभी किताब तुमने जो लिया कहां से लिया है किताब जो लिया तुमने ये शक है इस तरह की शको को शुरुआत में आके ये लोग गुमराह होती है और दूसरों को गुमराह भी करते हैं इसका इलाज क्या है शक शक जब हो जाए उसका इलाज है यकीन शक को दूर करो और यकीन कब आएगा यकीन आएगा इल्म से मैंने शुरू में भी कहा यकीन आएगा इल्म से इल्म किससे आएगा उलामा से इसलिए फितनों से बचना चाहते हो। जो सही माने में उलामा है उनसे सही इल्म हासिल करो और उस पर अमल करो और अगर सही इल्म ना लो शैतान के पास भी इल्म था, लेकिन गलत इल्म आ गया गुमराह हो गया बातिल फिरकों वालों के पास बड़ा इल्म है दिमाग और जहन है लेकिन गलत तरीके से हैं हसन बसी फरमाते हैं जब फितना आता है सबसे पहले उलामा को पता चलता जो रब्बानी हैं लिहाजा उलामा से जुड़े रहो फितना जब पूरी तरह से छा जाए तब आवाम को पता चलता है मेरे बुजुर्गों भाइयों और यकीन और इल्म कैसे आएगा उलामा से जुड़े रहकर कुरान और हदीस सही कुरान सही कुरान के सही तफसीर और हदीस सही हदीस और इनको हासिल करना कैसे सलफ -e के समझ के मुताबिक मनहज के मुताबिक इसको मनहज कहा जाता है मनहज कहा जाता है कुरान को वैसे समझे जैसे साहबा ने समझा ताबीन ने समझा है हम अपनी तरफ से समझने जाएंगे ताबीलात शुको को शुबात जन्म लेंगे ये बहुत अहम चैप्टर हैं बहुत अहम बाब है और अकल में रखने वाली दिमाग में रखने वाली इल्मी बातें हैं इन दोनों को अल्लाह ताला ने ये ही आयत में बयान फरमा दिया खुलासे के तौर पर और इसको कि हम लोग हर जुमा फजर की नमाज में सुरा सजदा में सुनते हैं वजाल नमीन होम आइम्मा आइम्मत आइम्मतम बे अमरीना वजाल हमने उनमें से आइम्मा बनाए हैं आइम्मा बनाए है। हमारे हुक्म से कब लम्मा सोबारुमत यहदू नबी अमरीना ऐसे आईमा जो हिदायत याफ्ता है वजन आई मत यह नबी अमरीना हिदायत याफ्ता लोग आई कौन है हमारे हुक्म सामने बनाया लम्मा सोबारु जब उन्होंने सबर किया ये इलाज है किसका नफसानी ख्वाहिशात के शुभहात के फितने के इलाज है सबर कानू में अब आया तिनायु किन यकीन इल्म और यकीन ये शुभा के फितने का इलाज है यहां पर अल्लाह ने बयान किया वह कानूबी आया तिनायु कनून और ये लोग हमारी आयतों में यकीन रखते हैं हमारी आयतों में यकीन रखते हैं तो गोया के आयतों में यकीन रखना यकीन ये इसी से इल्म आएगा और इल्म और यकीन युभा को दूर करेगा जब शुभा दूर हो जाएगा सही अकीदा अपना लेगा सही अकीदा अपनाएगा तो दीन की हिफाजत होगी दीन दर बन जाएगा तो गया कि वो शुभा केफने से बच गया और जब सबर करेगा अपने आप को कंट्रोल करेगा लम्मा सौ हिदायत याफ्ता होगा सबर करेगा दिल को मनाएगा तो जाहिर सी बात है उसकी वजह से नफसानी ख्वाहिशात को कंट्रोल कर लेगा तो इस तरह के बाद बुरे आमाल से बच जाएगा खुलासे के तौर पर सारी चीजों को मैंने बयान कर दिया है शुकू को शुभात, जन्म कैसे लेते हैं हर तरह के फितने की बुनियाद शक और शुभ और शाहवात और ये शहवात और शुभहा कैसे जन्म लेते हैं वो भी मैंने बता दिया कि नफसानी ख्वाहिशात के सुनने की वजह से अकल की ना सुने और राय को मुकदम रखे शरीय के मुकाबले में और इनकी वजह से नुकसान क्या होता है दीन का नुकसान अमाल का नुकसान इलाज क्या है सब्र और यकीन और इल्म और ये कैसे आएगा जो सही मनहज अपनाने की वजह से सही उलामा से जुड़े रहने की वजह से दो रबालमीन से अल्लाह और आपको सही माने में समझ बूझ अता फ़रमाएँ और ख़ुलासे के तौर पर आज मैंने जो बयान किया है इनको समझने की तोफ़ी अता फ़रमाएँ आमीन व आखरदिल्ला रबालमिन